पाकिस्तान ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। भारत की ऐतिहासिक हार देखने को मिली है। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया है। कई कप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पहली बार ये भारत की हार है। टीम इंडिया ने कई जगह गलतियां की है और जिस वजह से उनको यह हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की ओपनिंग का तोड़ नहीं मिल पाया है क्योंकि पाकिस्तान के पहले प्लेयर ने ही सारी टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप में जगह दे दी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये जीत ये साफ तौर पर एक सीख भारतीय टीमों के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि खास तौर पर बाबर का जिक्र करें और रिजवान का जिक्र करें तो दोनों की जोड़ी काफी अच्छी साबित हुई है इस मैच के अंदर। 10 विकेट से भारत को हरा दिया गया है। और शुरुआत में अगर भारतीय टीम का जिक्र करें तो शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अच्छा खेला, बैटिंग अच्छी की, जिसके बाद लक्ष्य रखा गया पाकिस्तान के लिए 152 रन का। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम खेलने आई तो रिजवान और बाबर की जोड़ी ने कमाल किया और खास तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से भारत को हराया गया और पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत हुई है। और ये पहली बार हुआ है जब वर्ल्ड कप के दौरान पाक से पहली बार भारत हारा है, लेकिन भारत के लिए सीख है कि आगे आने वाले मैचों में वो अपनी जीत दर्ज कर सके। बिल्कुल, पाकिस्तान ने 16 ओवर में ही बिना विकेट गंवाए 128 रन बना दिए थे और बाबर आजम ने आपको बता दें 63 रन और रिजवान ने 62 रन बनाकर क्रीज पर ही वो दोनों टिके रहे। ऐसे में भारत को 10 विकेट से पाकिस्तान ने मात दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मैच खेला गया है ये साफ तौर पर भारतीय टीम के लिए एक सबक है कि आसानी से किसी भी टीम के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान से आज तक भारत नहीं हारा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो हार भारत ने देखी है, हार नहीं सम करारी हार कहेंगे, क्योंकि 10 विकेट से पाकिस्तान का जीतना इस साफ तौर पर भारतीय टीम को ये बताता है कि अभी किस तरीके से उन्हें मेहनत करनी है। शुरुआत था मैच का, लेकिन शुरुआत में ही भारत को ये हार मिली है और जिस तरीके से ये मैच खेला गया था कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए ये एक बड़ा सबक था। शुरुआत से ही भारत की टीम ने तमाम विकेट गंवाए थे। हैदर अली इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, भारत की हार पाकिस्तान की जीत, भारत के लिए क्या सबक? बिल्कुल, आप देखें कि ये एक बड़ी हार है क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच था, उस प्ले के पाकिस्तान और भारत में तैयारियां चल रही तो उस पर प्रेशर भी हो रहा था। इंडियन कॉन्फिडेंस में थी अब तक 20 वर्ल्ड कप मैच दिन भारत का नहीं रहा। आप देखें शुरुआती मैच से ही जो भारत पर दबाव बनना शुरू हुआ वो आखिर तक चला, क्योंकि जिस तरह से शाहीन ने पहले ही ओवर में ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया उसके बाद से जो इंडियन टीम पर पावर प्ले में रन बनाने का दबाव होता है वो रन ही नहीं बने पाए। 33 रनों पर 3 विकेट गिरे और 6 ओवर के पावर प्ले में 33 रन आए। यहीं से भारत पर जो दबाव बनना शुरू हुआ वो भले ही कप्तान विराट कोहली ने कुछ संवारने की कोशिश की हो लेकिन उसको एक बड़े टारगेट में चेज नहीं कर पाए। सवाल यह है कि एक बार फिर से भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो फेल होता नजर आया, क्योंकि आप अगर एक विराट कोहली और ऋषभ पंत को छोड़ दें, ऋषभ पंत ने जरूर कुछ छीटे लगाने की कोशिश की और क्योंकि विराट खुद एक स्कोर संभाले हुए थे, लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की बात करें या हार्दिक पांड्या की बात करें, जडेजा की बात करें, तो कोई भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन रन नहीं बना पाया जिनको मिडिल ऑर्डर सेट करने के लिए रखा जाता है कि अगर ओपनिंग जल्दी गिर जाए तो वो टीम को सवार लें। लेकिन कल के मैच में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। अगर विराट अगर नहीं जमते तो शायद स्कोर 100 के आसपास ही रहने वाला था और प्लस स्कोर कम रहा। उसके बाद सारा दारोमदार बॉलर्स पर था, लेकिन कल इंडियन बॉलर्स को जिस धार के लिए माना जाता है वो बॉलर धार नजर नहीं आई। चाहे वरुण चक्रवर्ती की फिरकी की बात करें, आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने सबको इंप्रेस किया था कल उनकी फिरकी का जादू बिल्कुल नहीं चला। मोहम्मद शमी नाकाम रहे और यही वजह है कि कोई भी बॉलर एक विकेट तक नहीं निकाल पाया और 10 विकेट से पाकिस्तान ऐसा लगा जैसे कि आसानी से खेल रहा है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं, टॉप 10 आईसीसी की रैंकिंग में दोनों शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रणनीति अपनाकर खेला कि ओवर के पहली बॉल पर या दूसरी बॉल पर फोर मार दिया उसके बाद सिंगल डबल जोड़ कर आई, तो उनकी ये जो रणनीति रही है काम आई और यही वजह है कि इंडियन बॉलर एक भी विकेट लेने में नाकाम रहे। अब सवाल कई इंडियन टीम पर खड़े हो गए क्योंकि अश्विन को 4 साल बाद वापसी मिली है टीम में। ऐसे में आईपीएल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, भले ही ज्यादा विकेट उन्होंने ना लिए हों लेकिन उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया है अपनी गेंदबाजी से, तो अश्विन को बाहर क्यों रखा?
क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, उनको जोशी तो छठे बॉलर के साथ इंडियन टीम क्यों नहीं आई। तो क्या ये कहा जाए हैदर कि ये प्रेशर था काफी, क्योंकि जब हम बैटिंग देख रहे थे इंडिया को करते हुए तब भी प्रेशर थोड़ा बहुत बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से विकेट लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया और प्रेशर साफ तौर पर दिख रहा था, तो क्या प्रेशर का असर था जो ये तस्वीर हमें देखने को मिली? बिल्कुल हर्ष, जब भी हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो प्रेशर बिल्ड जरूर हो जाता है, क्योंकि ये मैच खिलाड़ी ही नहीं खेलते बल्कि ये दो देशों की पब्लिक आपस में खेलती है, क्योंकि जिस तरह से जुनून होता है दोनों देशों के तरफ से देखने का, मैच खेलने का, वो एक अलग लेवल पर होता है। हालांकि विराज ने मैच से पहले कहा था कि हम इसको आम मैच की तरह ही खेलेंगे और हम किसी दबाव में नहीं है, लेकिन ओपनिंग का जल्दी टूट जाना